हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच, दोपहर का खाना। और इसमें मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्जी, मिक्स दाल, चावल और रोटी। तो मैंने भिंडी को अच्छे से धो कर के काट लिया था और कढ़ाई को भी गैस पे रख दिया। और जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें मैंने हींग और जीरे का तड़का लगा दिया। और अब मैंने उसमें डाल दी है प्याज। प्याज को मैंने बड़े स्लाइस में काटा है और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी भिंडियाँ और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके साथ ही इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और ये है मेरी दाल मिक्स। इसमें मैंने तीन तरह की दालें ली हैं, चने की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल। इसको मिला कर के मैं मिक्स करके मिक्स दाल बनाने वाली हूँ। और इसको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो करके रख दिया था कि जो इस पर कलर लगा हुआ होता है वो आसानी से हट जाता है। तो मैंने दाल को अच्छे से हाथों से रगड़ करके साफ़ कर लिया था। और इधर मैंने गैस ऑन कर दिया है और उस पर रख दिया है कुकर। और उसमें मैं डाल दूंगी दाल। और मैंने उसमें दाल का चार गुना पानी लिया है। और उसमें मैं मसाले डाल दूंगी, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। और कुकर को ढक्कन लगा के मैं पका लूँगी दाल को। और इधर देखिए, हमारी जो भिंडी है, भिंडी की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। और इसको मैं गैस पर से हटा दूँगी क्योंकि मुझे अब वहाँ पर चावल बनाना है। और ये देखिए, मेरी गैस ऑन है और मैंने इस पे ये चावल का भगोना रख दिया है और प्लेट ढक दिए, जिससे कि पानी जल्दी गर्म हो जाए। और जब पानी खोल गया तो मैंने उसमें चावल डाल दिए। और इधर मैं अपनी दाल में तड़का लगा दूंगी। ये मैंने हींग और जीरे का और लहसुन का तड़का लगाया है, इससे दाल जो है और भी टेस्टी हो जाएगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला, इससे जो दाल का टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। और अब मैं फटाफट सेक लूँगी रोटी। कुकर पे इस पे रख दो। ये देखिए, मेरी रोटी भी तैयार हो गई है और दोपहर का सारा खाना तैयार है। और रोटी भी कितनी फूली फूली और बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारे दोपहर के खाने की थाली, हमारा लंच, जिसमें मैंने भिंडी की सब्जी, मिक्स दाल, चावल, रोटी और सलाद लिया है प्याज का। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दोपहर का खाना बन कर के तैयार है और ये सभी को बहुत पसंद है क्योंकि सिंपल खाना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, अभी भी मेरे घर में काम हो रहा है क्योंकि हमारा घर बन रहा है, जिस वजह से मैं थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने कितनी परेशानी के साथ मतलब अपनी किचन को सेट कर रखा है। थोड़ा सा सामान जो है इसमें रूम का भी रखा हुआ है क्योंकि कमरे में पेंट हो रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी गैस रखी हुई है और यहीं पर ही मैं अपना खाना बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।